डोरी खींचते ही पर्दा खुला और अयोध्या जाकर अपने रामलला का दर्शन करने का सपना संजोए दूर दराज के श्रद्धालुओं का सपना साकार हो गया। रामनगरी अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने यात्रियों को सौगात देते हुए अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन कर दिया है। इसी के साथ देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। रेलवे मंत्री ने पीएम मोदी को स्टेशन की खासियत के बारे में पूरी जानकारी दी। बात करें अगर स्टेशन की खासियत की तो इसका पुनर्निर्माण 240 करोड़ रुपए में कराया गया है। नए रेलवे स्टेशन को कुल 3 मंजिला बनाया गया है। अत्याधुनिक फैसिलिटी के साथ ही आपको इस रेलवे स्टेशन में संस्कृति और श्री राम मंदिर की छवि भी दिखाई देगी। रेलवे स्टेशन के बाहर के मुख्य हिस्से को शाही मुकुट के रूप में बनाया गया है। इसमें भगवान राम का प्रतीकात्मक डिजाइन और धनुष भी बना है। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने देश को पहली 2 अमृत भारत ट्रेन का तोहफा भी दिया। इन ट्रेनों में बच्चे सवार थे जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात कर बातचीत भी की। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही अच्छा यहाँ पे उद्घाटन किया है मोदी जी ने और सनातन धर्म की महिमा बढ़ा दी है। और जय जय मेरी तरफ से, जय जय श्री राम, भारत माता की जय हो। बहुत बड़ी चीज है अयोध्या के लिए और राम जन्मभूमि के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया। पब्लिक आराम से आएगी, दूर दूर से सबको आने में सुविधा होगी, ढेर सारी ट्रेनें, एयरपोर्ट। बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है देश के लिए। अयोध्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हम लोग को बहुत गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ के निवासी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, विकास काफ़ी हुआ है। कहाँ अयोध्या कभी जो है राम पैड़ी साहब, आज राम मंदिर पर जब से दिवाली मनाई जा रही है तब से बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही लाखों संख्या मतलब भीड़ भी बहुत ज्यादा यहाँ के लोग आ रही है। ये ट्रेन कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि इसे वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर ही बनाया गया है। ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। इसमें कुल 22 कोच होंगे जिनमें 12 कोच सेकंड क्लास और 8 जनरल क्लास कोच होंगे। इसके साथ ही ट्रेन में 2 गार्ड कंपार्टमेंट भी होगा। इस ट्रेन को सामान्य ट्रेनों की तुलना में ज्यादा अत्याधुनिक और आरामदायक बनाया गया है जिसमें सीसीटीवी कैमरा और मॉडर्न टॉयलेट जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। इस ट्रेन में भी वंदे भारत ट्रेन की तरह पुश और पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी का अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। आम नागरिक से लेकर दूर दराज से आए संत पीएम मोदी की एक झलक पाने को उत्सुक दिखे और पीएम मोदी के रोड शो के दौरान खूब फूल बरसाए। वहीं इस दौरान पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी के इस दौरे को 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले झांकी के तौर पर देखा जा रहा है और अगर झांकी इतनी भव्य है तो वो दिन कितना भव्य होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।